क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को लगने वाला है जोर का झटका? क्या कांग्रेस में घर वापसी करने वाले हैं नारायण राणे? लोकसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही नेताओं के पाला बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। तमाम दल के नेता चुनाव से पहले अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाशने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एक नाम है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी की टिकट से राज्यसभा सदस्य नारायण राणे का, जो जल्द ही बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व राजस्व मंत्री बाला साहिब थोरात ने नारायण राणे के कांग्रेस में घर वापसी करने के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक थोरात ने ये भी कहा कि राणे को लग रहा है कि बीजेपी से जुड़कर गलती हो गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस छोड़कर गए कई दूसरे नेता भी कांग्रेस में लौटने की तैयारी में हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी आगामी चुनाव में मराठा समाज को दिए गए 16% आरक्षण को जमकर भुनाएगी। ऐसे में राणे कांग्रेस के लिए तुरूप का पत्ता साबित हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी सरकार में नारायण राणे समिति ने ही सबसे पहले मराठा समाज को 16% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। दूसरी ओर शिवसेना बीजेपी का गठबंधन होने की भी संभावना है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या शिवसेना ऐसे गठबंधन का हिस्सा बनेगी जिसमें राणे भी शामिल हो। माना जा रहा है कि शिवसेना से गठबंधन के लिए बीजेपी को हर हाल में राणे को छोड़ना होगा। अगर बीजेपी ने ऐसा किया तो नारायण राणे राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद राणे के पास कांग्रेस या एनसीपी, यही दो विकल्प होंगे। ऐसे में हो सकता है कि राणे सीधे कांग्रेस या एनसीपी में शामिल होने के बजाय अपनी पार्टी महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी को कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का हिस्सा बना ले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहिब थोरात ने राणे के कांग्रेस में लौटने के संकेत के बाद राणे के अगले राजनीतिक कदम की चर्चा तेज हो गई है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।